आइसक्रीम पकौड़ा। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्वेता और आप देख रहे हैं श्वेता जीजी कुकिंग चैनल। आइसक्रीम पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पे मैंने आइसक्रीम को 2 स्कूप्स में तैयार करके आधे घंटे के लिए फ्रीज कर लिया था। अब ये बिल्कुल हार्ड हो चुके हैं। पकौड़े की कोटिंग के लिए यहाँ पे हमने आधा कप मैदा लिया है। अब हम इसमें धीरे धीरे करके पानी डालेंगे और एक थिक पेस्ट बना लेंगे। पानी हम धीरे धीरे करके इसलिए डालते हैं ताकि हमारा बैटर बिल्कुल स्मूथ बने। और यहाँ पे आप बैटर की कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये ना तो बहुत ज्यादा गाढ़ा है ना ही बहुत ज्यादा पतला। इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल पकौड़े वाले बैटर जैसी होनी चाहिए। यहाँ पे हमने आधा कप कॉर्नफ्लेक्स भी लिया है। इन्हें मैंने हाथों से ही तोड़ के छोटा छोटा कर लिया है। तो चलिए आइसक्रीम के पकौड़े बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले हम अपने आइसक्रीम स्कूप को, जिसे हमने अच्छे से हार्ड फ्रीज कर रखा है, उसे मैदे के बैटर में कोट कर लेंगे। मैदे के बैटर में अच्छे से कोट करने के बाद हम इसे कॉर्नफ्लेक्स से कोट कर लेंगे। कॉर्नफ्लेक्स से अच्छे से कोट करने के बाद हम इसे एक प्लेट में रख लेंगे और दूसरा स्कूप भी इसी तरीके से तैयार कर लेंगे। ध्यान रहे, ये पूरा प्रोसेस हमें काफी जल्दी जल्दी करना है। अब हम इन दोनों ही स्कूप्स को आधे घंटे के लिए फ्रीजर में फ्रीज होने के लिए रख देंगे कि जब हम इन्हें तलें तो हमारी आइसक्रीम पिघल के बाहर ना आए। और आधे घंटे बाद आप देख सकते हैं हमारे आइसक्रीम स्कूप्स बिल्कुल हार्ड फ्रीज होके तैयार हैं। आप चाहें तो इन स्कूप्स की ज्यादा सी क्वांटिटी बना के पहले से अपनी फ्रीजर में तैयार करके रख सकते हैं और जब भी आपके मेहमान आए तो इनको फटाफट फ्राई करके उनको सर्व कर सकते हैं। पकौड़े बनाने के लिए हमने कढ़ाई में तेल ले लिया है और फ्लेम को हाई पे ऑन कर दिया है। इस समय हमारा तेल काफी गर्म हो चुका है। अब बहुत ही सावधानी से अपने आइसक्रीम स्कूप को इस तेल में छोड़ दीजिए। इन आइसक्रीम के पकौड़ों को हम चारों तरफ से केवल 10 से 11 सेकंड तक ही पकाएंगे। हमारा पकौड़ा हर तरफ से सिक्के तैयार हो चुका है, तो अब हम इसको प्लेट में निकाल लेंगे और इसकी गार्निशिंग कर लेंगे। गार्निशिंग के लिए हम इस्तेमाल कर रहे हैं कुछ बादाम की कतरन और ऊपर से ड्रिजल करेंगे हम चॉकलेट सॉस। आइसक्रीम के पकौड़े बनके तैयार हैं। एंजॉय। हमारे चैनल के कुछ और वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करें, मेरे ब्लॉग चैनल के लिए यहाँ क्लिक करें और मेरे किड्स चैनल को देखने के लिए यहाँ क्लिक करें।